सोलन के देवघाट में एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टल गया जब भवन निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी चपेट में खुदाई कर रही जेसीबी तो आ गई, लेकिन जेसीबी चालक को सकुशल बचा लिया गया। सूत्रों की माने तो खुदाई करते समय पहाड़ से अचानक लाशा गिरा और जेसीबी उसमें दब गई। गनीमत ये रही कि जेसीबी चालक को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और चौकन्ना होने की वजह से चालक की जान बच गई, और अगर सही समय पर सावधानी ना बरती जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जेसीबी मशीन के चालक ने बताया कि जब वह खुदाई कर रहा था तो अचानक पहाड़ का बड़ा भाग जेसीबी पर गिर गया। समय रहते उसे जेसीबी से निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई। फिलहाल जेसीबी मलबे में दबी है और उसे निकालने का प्रयास जारी है। तो मेरी मशीन नगाली में काम कर रही थी तो शाम के वक्त कोई थोड़ा सा लाशा गिरा ऊपर से, तो जिसके कारण वो मशीन को डैमेज हुआ है और ड्राइवर ने मशीन को घुमा के सूझबूझ से अपने को भी बचा लिया और बाहर निकल गया था। ये मशीन तो लगता है काफी नुकसान है, तो अचानक कोई ऐसा था नहीं कि गिरने वाला है, गिर गया पता नहीं क्या कुछ सल... गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कोटला नाला में इसी तरह का हादसा हो चुका है, जिसमें खुदाई के दौरान दो मजदूर भी पहाड़ के लाशे में दब गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में अवैज्ञानिक ढंग से खुदाई का काम बदस्तूर जारी है और नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।